नहीं जी इधर क्या बैठो बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। मामला ये जो सरकार है वो डरी हुई है और हम मोदी और खट्टर सरकार से कहना चाहेंगे कि तुम्हारी जेलें हमारा क्या बिगाड़ सकती है, हमारे हौसले बहुत बड़े हैं। हमें दिल्ली जाने से रोकने के लिए इन्होंने जेलों में बंद किया और जो किसान आगे नेता थे जितने हरियाणा के अंदर सब लोगों जेलों में डाल के इन्होंने सोचा कि हम किसानों को दिल्ली जाने से रोक देंगे, लेकिन ये मोदी सरकार किसानों को दिल्ली जाने से नहीं रोक पाई। किसान इनके बैरिकेड तोड़कर दिल्ली पहुँच गए हैं और आज सरकार को आप लोगों के सारे किसानों की कट की वजह से इनको हमें रिहा करना पड़ा और यह आंदोलन जो है अब और ज्यादा तेज होगा और तीखा होगा आंदोलन। ये आगे दिल्ली जाएंगे और भी हजारों किसान लाखों किसान दिल्ली जाएंगे। हम जिनकी जेलों से डरने वाले नहीं है ना इनकी गोलियों से डरने वाले हैं। ये सरकार चाहे जितना मर्जी अत्याचार कर ले, जितना मर्जी जुल्म कर ले, चाहे जितने मर्जी जेलों के अंदर ये हमें धक दे, हम दिल्ली जाएंगे और अपना हक लेके रहेंगे। 3 कानून है, इन कानूनों को वापस करवा के रहेंगे। बारूखेड़ा जी कोरोना पॉजिटिव आपको बता दिया गया था, बीच में एक इंफॉर्मेशन भी आई थी कोरोना। नहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं आया था, कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, दो बार यहाँ टेस्ट हो चुके पॉजिटिव नहीं आया। बिल्कुल ये सारी जीत सभी किसान भाइयों मजदूर भाइयों की है और जो ये मेरे हस्बैंड है प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, उनके आप देख रहे हो उनके पीछे कितने लोग हैं, ऐसे कोई किसी के पीछे नहीं आता है। तो ये सारी जीत सभी सभी भाइयों की है तो हम लोग बहुत खुश हैं इनकी रिहाई पर। आप सबका भी धन्यवाद जो आप लोगों ने हर खबर को बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से लगाई है। तो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने में आपका पूरा योगदान रहा है तो मैं आप लोगों की भी सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।